तहसील जीरा के गांव बस्ती बूटे वाली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। ये बुजुर्ग व्यक्ति पूरे मंत्री जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा का रिश्तेदार था। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों ने बताया कि मृतक गुरबचन सिंह रोज की तरह अपने गांव में स्थित अपनी हवेली में सोया हुआ था, और जब वह सुबह अपने घर नहीं आया तो उसके लड़के ने हवेली में जाकर अपने पिता को देखा तो उसकी लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी। तभी उन्होंने इस बारे में जल्दी से थाना सदर जीरा पुलिस को जानकारी दी। इस विषय में बात करते हुए डीएसपी जीरा देवदत्त शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है और अगली कार्रवाई जारी है। नाम रजिंदर सिंह जंबराज बस्ती बूटे वाली पिंड मेरा। हाँ जी। तो ये मेरा ताया जी ने तो अभी सवेरे तकरीबन 9 बजे बाहर वे उ गए मोड़ से खलोते थे तो इन्हों का ताया जी का व्डा लड़का आया छोटा तो कहता भी वो गया हवेली चाहिए अभी बापू चाह पीन नहीं आया तो उतों वेख्या तो ताया जी की डेड बॉडी थले लम्बे पिया उस वे वापस भजया आया मैं उत्तर खलोता मोड़ते मैं कहना उरे आई भज गई मैं गया उ मेरे जाने ताया जी के थले लम्बे पिया आया तो मैं कहना की होया मैं क्या इनकी तो डेथ हो गई आ इन तो कुट कुट के कतल किया गया है जो मैं उनका मूँह वेखा उनका मूँह सारा कुट कुट के एन गया पाया जी तो उनके लहू हलवान हो फिर 2-3 इतने धक्क के निशान थे ज़्यादा उनका मूँह कुट कुट के उन्होंने पिया पाया उसके बाद अभी अपने जहेदार इंद्रजीत सिंह जीरा ने फोन लाया तो उन्होंने इतों मुलाजम पुलिस कही था उसे तो उस बाद पुलिस ने आपकी कार्रवाई शुरू की। वजह जी तो वजह तो यह लगती है भी लटेरिया तो सूँ तो यह लगता ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਪਾਂ ਸ਼ੂਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਟੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਬੂਟੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਏਜ਼ 80 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਲੰਟ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਲੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀਰਾ ਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV।